students, in this video we are going to discuss numerical problem number 20th from the book Nutan ISC Physics of class 11th from chapter 4th, numerical problem number 20th, as I told you. The question says an astronaut jumps from an airplane. So here you can see an airplane hovering at some place, and after this astronaut or the parachutist has fallen a distance of 40 meter, his parachute is about to get open. Okay, तो बच्चों एक parachutist है, एक astronaut है जो एक airplane से jump करता है. 40 meter जब वो नीचे आ जाता है तब उसका वो parachute open होता है, और जब उसका parachute open हो जाता है तब उस astronaut के ऊपर या उस parachutist के ऊपर net retardation जो लगता है वो 2 meter per second square का है. तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है, ये जो रिटार्डेशन यहां पे लिखा हुआ है ये है नेट रिटार्डेशन. ठीक है, तो ये नेट रिटार्डेशन है जो पैराशूटिस्ट के ऊपर लगता है 2 meter per second square का, और चूंकि पैराशूटिस्ट नीचे आ रहा होगा तो इसलिए रिटार्डेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, यानी कि ये रिटार्डेशन ऊपर की तरफ लग रहा है, और अल्टीमेटली जो पैराशूटिस्ट है वो 3 meter per second की स्पीड से जमीन पर पहुंचता है. तो दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि एक तो क्या हाइट थी प्लेन की जब पैराशूटिस्ट ड्रॉप होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई पैराशूटिस्ट या एस्ट्रोनॉट कितनी देर तक हवा में बना रहा, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग वाज ही इन द एयर. एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, आपको करना है कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस ऑफ द पैराशूटिस्ट. जब वो पैराशूटिस्ट फॉल कर रहा है तो उसका आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है. तो ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो मैंने ऐड किया. चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को. तो ये एक एयरप्लेन है बच्चों, और इस एयरप्लेन से ये पैराशूटिस्ट फॉल करता है. कितने मीटर ये फॉल किया जब तक पैराशूट ओपन नहीं हुआ था? तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है, ये 40 मीटर्स का है. ठीक है, तो ये एच वन हाइट जो है ये 40 मीटर की है. पैराशूटिस्ट इस पॉइंट वन से ड्रॉप किया, और बच्चों चूंकि ये ड्रॉप कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट वन पे जीरो बनी रहेगी, और इतने 40 मीटर्स चूंकि अभी पैराशूट ओपन नहीं हुआ है तो वो पैराशूटिस्ट अभी भी अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के अंदर फॉल कर रहा है. ठीक बात है, क्योंकि अभी पैराशूट ओपन नहीं हुआ है तो जो पैराशूटिस्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है बच्चों वो नीचे की तरफ लग रहा है, एंड दैट एक्सेलरेशन हैपेंस टू बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और चूंकि नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए मैंने माइनस जी लिख दिया. अब ये तो पार्ट वन ऑफ द मोशन है, ये पॉइंट वन और ये पॉइंट टू आ गया बच्चों. पॉइंट टू पे क्या होता है, यहाँ पे तो वो ड्रॉप करता है, बेल आउट करता है. ठीक है, यहाँ पे वो पैराशूट को ओपन कर लेता है, तो इस पॉइंट पे पैराशूट ओपन होता है. तो बच्चों जब वो यहां से यहां तक फॉल किया, यानी 1 to 2 का जो मोशन किया है, तो इतने देर में इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी. अब क्या वेलोसिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ. तो एक तो ये वेलोसिटी तुम्हें निकालनी है, दूसरी चीज बच्चों यहां पर क्या वेलोसिटी ये आपको फाइंड करना. अब जो वो फॉल कर रहा है ये डिस्टेंस हमारे लिए अननोन है. ऊपर हमें डिस्टेंस दे रखा था, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये अननोन है. इवेंचुअली वो थर्ड पॉइंट यानी कि ग्राउंड पर लैंड कर जाता है, ये दिया, तो ये इवेंचुअली लैंड्स ऑन टू द ग्राउंड. और जब वो लैंड कर रहा है बच्चों तो इस पॉइंट 3 पे जो उसकी वेलोसिटी है यानी v3 जो है वो क्या है बच्चों, वो है 3 meter per second. और यहां पे जो वेलोसिटी v2 है ये मुझे मालूम नहीं, और ये u तो अभी इनिशियली 0, तो मुझे कई एस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को करना. अब देखो जब ये यहां पे फॉल करता है इस रीजन में यानी 2 से 3 में, तो इसके ऊपर एक नेट रिटार्डेशन लगता है. बच्चों ये जो नेट रिटार्डेशन लग रहा, चूंकि ऑब्जेक्ट या पैराशूटिस्ट नीचे आ रहा था तो जो रिटार्डेशन लगेगा उसको किधर लगना पड़ेगा, ऊपर की तरफ. तो ये जो रिटार्डेशन लग रहा है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये कितना रिटार्डेशन लग रहा है, ये लग रहा है बच्चों 2 meter per second square का. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बातों को बहुत क्लैरिटी समझना है. एक तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल एक्सेलरेशन लगते हैं, 1 से 2 तक के रीजन में जो एक्सेलरेशन लगता है उसमें एक्सेलरेशन जो इफेक्टिव है वो -9.8 या -10 meter per second square का, क्योंकि नीचे की तरफ बॉडी आ रही है.
और दूसरी बात बच्चों जो तुम्हें समझना है वो है जब रीजन टू से थ्री की मैं बात कर रहा हूं तो इस रीजन में जो बच्चों एक्सेलरेशन लग रहा है, रिटार्डेशन है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है और इसलिए यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 पॉइंट इस मोशन का इनिशियल है और 2 यहां पे फाइनल पार्ट है इस पार्ट ऑफ द मोशन के लिए। ये 1 जो है बच्चों वो इनिशियल पोजीशन है और 2 जो बनी है वो बच्चों फाइनल पोजीशन है। जब मैं 2 से 3 का मोशन एनालाइज करूंगा तो यहां पर तुम पाओगे जो मोशन 2.2 है वो वहां का इनिशियल है। तो 2 टू 3 में ये क्वेश्चन इनिशियल पोजीशन का है और बच्चों जो 3 पॉइंट है ये यहां पर फाइनल है। तो इस बात को अब आपको ध्यान में रख के चलना है कि 2 जो है वो इनिशियल है इस पार्ट का और 3 इसका फाइनल। चलिए तो बच्चों 1 से 2 के मोशन के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मुझे 2 चीजों को फाइंड करना पड़ेगा। एक तो मुझे यहां पर वेलोसिटी नोन होनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग अ हाइट ऑफ 40 मीटर है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट ने या पैराशूटिस्ट ने 40 मीटर का हाइट फॉल किया है और 0.1 से जब 0.2 की तरफ आया है पैराशूटिस्ट तो नीचे की तरफ आया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ चूंकि वो नीचे की तरफ हुआ है इसलिए मैं इसको -40 मीटर से लिख रहा हूं। क्लियर है बात? अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी एट 0.1 जो है बच्चों वो 0 है, फाइनल वेलोसिटी एट 0.2 मुझे निकालनी है, ये अननोन है। तो अब तुम्हारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या क्या है मैं यहां लिखता हूं और देखते हैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे लिए यूजफुल होने वाली है। बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के साथ इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखकर चलना है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, लेट्स राइट इट डाउन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और उसमें से कौन सी इक्वेशन हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूजफुल होने वाली है, तो वी विल टेक दैट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या यहां पर मुझे इस इक्वेशन की जरूरत इस्तेमाल हो सकती है? तो उसमें टी नहीं है तो मैं इस इक्वेशन को नहीं ले सकता। दूसरी इक्वेशन जो अपने पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और तीसरी इक्वेशन बच्चों जो है वो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at² है। तो देख सकते हो ना इसमें टी है, इस हमारे पास टी है नहीं, तो ना इस इक्वेशन में टी आ रहा है और इस इक्वेशन में टी आ रहा है, ये दोनों में टी इन्वॉल्व है, तो मैं ये दोनों इक्वेशन नहीं ले पाऊंगा। इवेंचुअली मैं लूंगा इक्वेशन सेकेंड वाली, दैट इज वी स्क्वायर ठीक है बच्चों। कौन सी इक्वेशन हम लोग लेके चल रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। चलिए फाइनल वेलोसिटी v2, यही तो हमें फाइंड करना था, v2 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वो तो 0 था बच्चों, तो उसका तो 0 स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में -10, और डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द बॉडी इज -40, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये निकल के आ जाएगा 800 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर v2 स्क्वायर, और सिंपली v2 विल बी 20√2 मीटर पर सेकंड। अब देखो रूट जब भी लोगे तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे, कौन कौन से 2 रूट होंगे, प्लस और माइनस, तो मैं कौन सा v2 का रूट लूंगा? देखो ऑब्जेक्ट जो इस पॉइंट पर है वो नीचे की तरफ ही तो आ रहा है पैराशूटिस्ट, एक बार फिर से वो देखो एनिमेशन, पैराशूटिस्ट ड्रॉप होता है तो पैराशूटिस्ट 0.2 से नीचे ही की तरफ आ रहा है बच्चों, तो हम कौन सा रूट लेंगे? क्योंकि देखो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेकर चलनी, आंसर्स को भी कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखना, तो v2 जो है बच्चों वो भी हमारे लिए माइनस वाला रूट मैं लूंगा, तो -20√2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों की कौन सा रूट आप चूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई हैव टेकन फॉर द डिस्कशन। इसमें कई कई एस्पेक्ट्स को मैं कवर कर सकता हूं। तो जब नीचे आया पैराशूटिस्ट तो उसकी वेलोसिटी जो 0.2 पे थी वो -20√2 मीटर पर सेकेंड था। अब बच्चों यहां से मोशन 2 से मोशन 3 के बारे में एनालिसिस करता हूं मैं, यहां पर चीजों को देखते हैं कि यहां पर क्या क्या हुआ।
एक्सेलरेशन ऑलरेडी तुम्हें मालूम है +2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि पैराशूटिस्ट के ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और पूरे इस जर्नी में पैराशूटिस्ट नीचे आ रहा है, जैसा मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, पैराशूटिस्ट नीचे आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पैराशूटिस्ट नीचे की तरफ आ रहा है और चूंकि पैराशूटिस्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका वेलोसिटी भी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, और चूंकि उसके ऊपर जो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन लग रहा है तो चूंकि उसका मोशन डाउनवर्ड है तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कंसिडर कर रहा हूं मैं, और चूंकि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ कंसिडर किया गया तो कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पर प्लस का साइन हम इन्वॉल्व करते हैं, तो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन इस बॉडी के ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, याद रखिएगा। अब मुझे यहां से यहां तक आने का डिस्टेंस पता करना बच्चों, तो फिर से देखो कौन सी इक्वेशन हमारे काम के लायक है। अब इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट टू पे क्या है, निकाली गई थी, कितनी निकली बच्चों, -20√2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है बात बच्चों। अब देखो जब वो फाइनली लैंड किया तो वो डाउनवर्ड ही तो गिरा, नीचे की तरह जब गिरा तो उसकी वेलोसिटी, वो नीचे नीचे की तरफ स्ट्राइक कर रहा, तो उसकी जो वेलोसिटी v3 है बच्चों वो भी नीचे की तरफ है, तो उसको भी मैं -3 मीटर पर सेकंड बना दूंगा। और ध्यान देना एक्सेलरेशन चूंकि ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा था इसलिए मैंने यहां पर +2 मीटर पर सेकंड। अब फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना, हमारे पास यही इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर भी काम कर जाएगी, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है बच्चों। तो v2 = यहां पे मैं कहूंगा v3 square, जो कि 3 जो है बच्चों वो फाइनल पोजीशन है, तो v3 square = इनिशियल क्या हुआ v2, तो v2 square + 2as सब्सटीट्यूट करते हैं, v2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, v2 की वैल्यू है -20√3, v3 की वैल्यू कितनी है बच्चों -3, तो v3 के लिए -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, v2 के लिए क्या लगाया -20√2 का होल स्क्वायर +2, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगा इसलिए 2, और डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है तो अननोन क्वांटिटी हो गई मेरे लिए, तो मैं उसको अभी एज इट इज छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेम करके लिखता हूँ बच्चों, जगह खत्म हो गई उधर, +2 एक्सेलरेशन हो गया, 2 ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव साइन, और डिस्प्लेसमेंट एस वही तो फाइंड करना है। -3 का स्क्वायर विल गिव मी 9, -20√2 का स्क्वायर विल गिव मी 800 = 2 2s of 4 plus 2 2s of 4s, 800 को उधर भेजा तो 791 बच्चों माइनस साइन के साथ = 4s, और सिंपली s कम्स आउट टू बी -791/4, तो इसको जरा सॉल्व कर लो, 791/4 कितना होता है, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, 791/4 दैट्स कम्स आउट टू बी 19.-197.75 meters बच्चों। ये जो उसने हाइट फॉल किया, ये कितने मीटर्स का हाइट फॉल किया है, 197.75 मीटर, और चूंकि देखो यहां पे s डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस साइन यहां पे क्या बता रहा है, माइनस साइन से घबराना नहीं है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन बताया डिस्प्लेसमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, ठीक है, तो डाउनवर्ड, तो -197 मीटर नीचे की तरफ वो आया बच्चों, ठीक है, -197 मीटर वो नीचे की तरफ आया, ऑलरेडी 40 मीटर का वो हाइट ऑलरेडी फॉल किया था, तो टोटल हाइट जो बच्चों निकल के आई वो कितनी आ गई, टोटल हाइट हमारे पास वो निकल के आ गई 197.75 प्लस 40, सो दैट कम्स आउट टू बी 237.75 मीटर्स, और सिंपली 238 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्लियर है बच्चों। किताब में ये आंसर 234 आ रहा होगा, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेने को कहा था, हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस्तेमाल किया, इसलिए वो थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन है।
मैंने मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के पर्पज से उसको यूज कर लिया बच्चों। चलिए अब इसके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है वो कह रहा है कि तुम्हें 1 से 2 तक आने का टाइम ऑफ ट्रेवल फाइंड करना है T1, और 2 से 3 तक आने का भी टाइम ऑफ ट्रेवल फाइंड करना है T2, और फिर इन दोनों की मदद से तुम्हें क्या फाइंड क्या पता चल जाएगा कि वो पैराशूटिस्ट जो था या जो एस्ट्रोनॉट जो था वो कितनी देर तक एयर में बना रहा। तो फॉर द फर्स्ट पोर्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द टाइम। नाउ सी वी नो द फाइनल वेलोसिटी V2, isn't it? पहले पार्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। तो V2 कितना आया था? -20√2 m/s। और बच्चों जो एक्सेलरेशन था वो कितना लग रहा था? That was of -10 m/s² का acceleration due to gravity, और जो displacement उसने fall किया था -40 m। Initial velocity point 1 पे 0 थी क्योंकि astronaut simply drop किया था। तो मुझे टाइम निकालना है। देखो बच्चों अब टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल हो सकता है? एक तो ये इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, दूसरा इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों ही इक्वेशन में टाइम है और दोनों में ही वेरिएबल्स मुझे नोन है, तो मैं इन दोनों में ही कोई भी एक इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। इसको यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि देखो इसमें टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, T² दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना लीनियर से सॉल्व करने से ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने थर्ड वाली इक्वेशन को ओवरलुक कर दिया। और दूसरी बात बच्चों, दूसरे इक्वेशन में तो टाइम का कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो मैं उसको इस्तेमाल में कहां से लाऊंगा? तो दूसरा वाला इक्वेशन इस वजह से मैंने रिजेक्ट कर लिया है। तो बच्चों V2 हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देखो ये निकाला था, मैंने उसको रब कर दिया, तो ये -20√2 हमें नोन है, तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। यहां पे V2 जो है फाइनल वेलोसिटी वो मुझे पता है, U इनिशियल वेलोसिटी है वो भी मुझे पता है, A एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इतने पार्ट में 1 से 2 के पार्ट में बच्चों ध्यान रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टेड थे, इनटू टाइम T, यही तो मुझे फाइंड करना। तो V2 बच्चों कितना था? V2 हमारे लिए था -20√2। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या है? वो है 0। एक्सेलरेशन कितना लगा? एक्सेलरेशन लग रहा है -10। और बच्चों टी तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है? सिंपल इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो टी के लिए। देयरफॉर -20√2, 0 तो 0 हो गया, ये हो गया -10 T1, इस टाइम को T1 कह देता हूं। तो यहां से टी की वैल्यू सॉल्व होके आ गई, T = T1 कम्स आउट टू बी 2√2 s। और 2√2 अगर आपको मालूम है रूट टू की वैल्यू 1.414 होता है, तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। बच्चों ये V2 को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर, वो ऑलरेडी मैंने ऊपर नोट कर लिया है। तो कितना T1 टाइम पहले वाले पार्ट में लगा बच्चों? दैट कम्स आउट टू बी 4 2 8 2 1 2 4 2 8 2 1 2.82 seconds। अब मुझे सेकेंड पार्ट पे आना है, जो 2 से 3 वाले पोर्शन में पैराशूटिस्ट ड्रॉप किया, तो उसको उसमें कितना उसको टाइम लगता है? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। नाउ वंस अगेन आई कैन यूज द सेम इक्वेशन V = T + AT। तो यहां पर फाइनली V3 है बच्चों, इनिशियल V2 है, प्लस A एक्सेलरेशन वो हमें दे रखा है, और टाइम हमें निकालना है। V3 कितना दिया हो बच्चों? -3 m/s। V2 कितना है बच्चों? -20√2। ये इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन यहां पे ऊपर की तरफ लग रहा था तो +2, और टाइम T। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब 20√2 की वैल्यू कितनी आ जाती है? रफली √2 मैंने अभी जैसे बताया तुम्हें कि 1.414 होता है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी -28.28 सेकेंड, ठीक है? +2t, -28 उधर जाएगा बच्चों तो प्लस हो जाएगा, तो 28. इसको मैं रफली इसको थोड़ा राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, 28.3 -3 = 2t, और ये बन गया बच्चों 25.3, ठीक है ना, = 2t, और t = जो सेकेंड पार्ट में टाइम लगा वो हो गया 25.3 / 2, एंड दैट कम्स आउट टू बी 12.25 / 2 = 12.65, ठीक है बच्चों? तो ये आया 12.65, तो T2 comes out to be 12.65। क्लियर है?
ये 12.65 सेकेंड्स आ गया। तो अब टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल कितना हुआ है? तो अगर मुझे टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल निकालना, तो टी वन प्लस टी टू, तो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल वो हो गया बच्चों टी वन प्लस टी टू, एंड दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी 2.83 ले लेते हैं हम लोग इसको, प्लस 12.65, दोनों को उठा के ऐड कर लो, 2.83, सो दैट कम्स आउट टू बी रफली 15.5, ठीक है रफली। तो टोटल टाइम कम्स आउट टू बी 15.5 seconds, ठीक है। तो यहां पर कितनी देर तक पैराशूटिस्ट एयर में बना रहा, दैट वाज 15.5 seconds तक पैराशूटिस्ट और द एस्ट्रोनॉट वाज इन द एयर। नाउ मैंने चूंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लिया था सॉल्व करते टाइम, आप इसको 9.8 से सॉल्व कर लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर जैसा आपकी किताब में दिया हुआ है न्यूटन फिजिक्स में, उससे मिलता जुलता आंसर ऑप्टेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ देता हूं बच्चों, ट्राई करिएगा इस पूरे मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाने के लिए। तो अब आपके लिए क्वेश्चन का ये जो है ये पार्ट आपके लिए एज अ होमवर्क है, तो इसको जरूर से आप करिएगा। तो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, आई होप कि इस वीडियो से आपको इस तरह वेरिंग एक्सेलरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इंसाइट मिल जाएगा, और आप अब आप उस तरह के डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सकते हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू पोस्ट योर कमेंट्स, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टेक केयर।